वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है टेक्चांद तारकवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आती है दोस्तों, ड्रीम फोक्स सर्विसेज की आईपीओ की तरफ से है। दोस्तों उनका आईपीओ 26 अगस्त को बंद हुआ था, 56 टाइम्स जो दोस्तों जो इनका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 94 लाख शेयर से दोस्तों जो कंपनी बेच रही थी मार्केट के अंदर, लेकिन दोस्तों 53 करोड़ शेयर की जो इंक्वायरी इनके पास रिसीव हुई है। अब दोस्तों इनके जो शेयर कल अलॉट होंगे दोस्तों 1 सितंबर को, और 5 सितंबर को जो है डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, और 6 सितंबर को दोस्तों जो है ये मार्केट में जो है ड्रीम फोक्स सर्विसेज का जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। क्या आप दोस्तों ड्रीम फोक्स सर्विसेज के आईपीओ में इन्वेस्ट किया, प्लीज जरूर बताइए हमें। दोस्तों अगली खबर टोयोटा की तरफ से निकल के आती है। दोस्तों टोयोटा जो है $5.3 बिलियन दोस्तों यूएस और जापान में इन्वेस्ट करने वाला है दोस्तों, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों करने के लिए। जो बैटरी प्रोवाइडर दोस्तों जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाते हैं दोस्तों उनको बैटरी प्रोवाइड करेगा। $2.8 बिलियन दोस्तों जो है टोयोटा अपने जो टोयोटा प्लांट्स में इन्वेस्ट करेगा, एनर्जी प्लांट में इन्वेस्ट करेगा जापानीज कंपनी के अंदर दोस्तों। और दोस्तों अगर $2.5 बिलियन दोस्तों अगले दोस्तों कुछ सालों में जो है अमेरिका में दोस्तों नॉर्थ कैरोलिना में दोस्तों जो है इन्वेस्ट करने वाला टोयोटा। दोस्तों अगली खबर है कि गवर्नमेंट दोस्तों आज जो है इंडिया के जीडीपी का दोस्तों डाटा जो है आज निकालने वाली है। जो क्वार्टर वन में जो जीडीपी अप्रैल से जून तक दोस्तों ग्रो हुई है उसका डाटा आने वाला है। मीडिया की रिपोर्ट्स की माने दोस्तों जो 15% की हमारी जीडीपी ग्रो हुई है, लेकिन दोस्तों डबल डेट नंबर आने वाला है। 13 से 15% अप्रॉक्स जो है हमारी जीडीपी दोस्तों इस क्वार्टर में ग्रो हुई है अप्रैल से जून के में। आपके हिसाब से दोस्तों कितनी हमारे परसेंट जीडीपी ग्रो होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर जो है फेसबुक की तरफ से निकल के आती है। दोस्तों मेटा जो उनकी पेरेंट कंपनी ने कहा है कि जो है आप फेसबुक पे दोस्तों जो है आप एनएफटी से दोस्तों बाय एंड सेल कर पाओगे। बहुत ही जल्दी जो आपको फीचर्स दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। एनएफटी आप दोस्तों जो है परचेस कर सकते हो फेसबुक के ऐप से ही। दोस्तों आप अपने डिजिटल वॉलेट को जो है फेसबुक से कनेक्ट कर दोगे, वहीं से दोस्तों आप इसको परचेस करके होल्ड कर पाओगे। इंस्टाग्राम में दोस्तों ये फीचर पहले से दोस्तों जो है कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज में दोस्तों जो है इंस्टाग्राम के अंदर आप अपने डिजिटल जो डिजिटल करेक्टेबल्स हैं उनको होल्ड कर पाओगे, अपने एनएफटीज को वगैरह को होल्ड कर पाओगे। तो देखते हैं दोस्तों फेसबुक जो है कितनी जल्दी जो है इसको इस फीचर को इंडिया में ला पाता है। दोस्तों अगली खबर एप्पल की तरफ से निकल के आती है। दोस्तों आईफोन 14 सीरीज का उनको दोस्तों जो है नई सीरीज जो है उनकी लॉन्च होने जा रही है 7 सितंबर दोस्तों। इस सीरीज के अंदर भी जो है 4 डिफरेंट मॉडल्स जो हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इस वाली सीरीज में आपको जो है आखिरी बार जो है आईफोन होंगी जिनमें दोस्तों लाइटनिंग पोर्ट आएगा। इसके बाद दोस्तों किसी भी फोन में दोस्तों जो है लाइटनिंग पोर्ट हमको कभी देखने को नहीं मिलेगा आईफोन की सीरीज में। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, क्योंकि यूरोप में दोस्तों एक यूनियन लॉ बनाया गया था, उसके तहत जो है दोस्तों सभी जो लाइटनिंग पोर्ट को जो है अब आईफोन से निकाल दिया जाएगा आने वाले जितने भी मैन्युफैक्चर होंगे आईफोन। दोस्तों अगली खबर HDFC बैंक की तरफ से निकल के आते हैं। दोस्तों वो जो है 10,000 करोड़ रुपए दोस्तों जो है रेज करने वाले हैं बॉन्ड्स के द्वारा लोकल इन्वेस्टर्स से। दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए दोस्तों जो है मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब रेज करेंगे ये, और जो है 10,000 करोड़ रेज करने का भी जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब दोस्तों इसमें जो 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड होने वाला है इन बॉन्ड्स में, और 7.80% के दोस्तों जो है इसमें रिटर्न हमको मिल सकता है। क्या आप दोस्तों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, और किस तरह से किस कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, जो आप जरूर आप कमेंट सकते हैं एक बार बताइए आप। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है स्नैपचैट की तरफ से। उन्होंने जो अपने 20% वर्कफोर्स को जो है नौकरी से निकाल दिया है, यानी 6,500 एम्प्लॉइज लगभग जो है उनकी नौकरी से निकल चुके हैं। अब दोस्तों जो उनकी कंपनी है जेनली दोस्तों जो उन्होंने 2013 में परचेस की थी सोशल मैपिंग के लिए, उस पर भी जो है वर्कफोर्स रिड्यूस करने का दोस्तों फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब एम्प्लॉइज दोस्तों कम हो जाएंगे तो जो है वर्कफोर्स जो उनकी ऐप पर दोस्तों फर्क पड़ेगा। और दोस्तों कल उनका जो स्टॉक है 2.4% से गिरा है। पिछले एक साल के अंदर दोस्तों जो उनका स्टॉक है वो 79% से ज़्यादा की जो अपनी वैल्यू है उसको खो चुका है। दोस्तों क्या आप स्नैपचैट यूज़ करते हो दोस्तों, और किस लिए करते हो, कितनी देर करते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।